अनुलोम विलोम के माध्यम से आप सभी को बहुत ही विराट, बहुत ही व्यापक और सबके लिए और हम सब के लिए भी लाभ देने वाला अभ्यास करेंगे। बोलेंगे इसका नाम अनुलोम विलोम। बोलिए अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। अब इसको कैसे करेंगे उसकी विधि बताते हैं। आप दोनों हथेली को ऊपर उठा लीजिए। उंगली का नाम याद है आप लोगों को? इसका क्या नाम है? इसका, इसका एक बार याद करो, पकड़ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। याद हो गया? क्या नाम है इसका? इसका, इसका, इसका अनामिका, इसका कनिष्ठा। ये उंगलियों का नाम याद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बहुत अच्छा। अब अंगूठे को और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाते हैं तो, और बाएं हथेली को नीचे रख लीजिए और दाहिने अंगूठे को सीधा रखते हैं, तर्जनी को मोड़ लेते हैं और दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखते हैं। दाहिने नाक पे रखिए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए और जब सांस भर जाए तो मध्यमा अनामिका उंगली से बाएं नासिका को बंद कर लीजिए और दाहिने अंगूठे को हटाकर दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़िए। फिर दाहिने नाक से धीरे धीरे भरिए, दाहिना हाथ से करो बाबू, दाहिना, और फिर दाहिने नाक को बंद करके और बाएं नाक से छोड़ दीजिए। याद रखिएगा दाहिने हाथ का प्रयोग करना है। फिर एक बार कर लीजिए, दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर रखना है, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे, फिर दाहिने को बंद कर लीजिए मध्यमा अनामिका उंगली से और जब बायां बंद हो जाए तो दाहिना से फिर छोड़ेंगे और फिर दाहिने से भर लेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। याद हो गया आप लोगों को? दाहिने अंगूठे को किस नाक पर रखना है? दाहिने नाक पर रखिए और दाहिने नाक पर रखिए। किससे भरेंगे? बाएं से। बोलिए बायां से, भर लीजिए। नाक भर जाए तो अनामिका और मध्यमा से बाएं नाक को बंद करके और दाहिना अंगूठा हटाकर दाहिने नाक को छोड़ दीजिए। दाहिने से भर लीजिए, दाहिना बंद करके बाएं से छोड़ दीजिए। अब ये जब अभ्यास करेंगे तो माइग्रेन की बीमारी, हदकपारी जिनको सर दर्द करता हो, ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ है, क्रोध, तनाव, लड़ाई झगड़ा करते हैं, माँ बाप और गुरुजनों का कहना नहीं मानते हैं और विद्यालय में आकर के भी केवल देखने में विद्यार्थी लगते हैं लेकिन कर्मों से विद्यार्थी का काम नहीं करते हैं, विद्यालय में आकर के जो विद्यार्थी हल्ला करता है, शोरगुल करता है, चिल्लाता है, उसको विद्यार्थी कह सकते हैं? नहीं सर। आप हल्ला करते हैं कि नहीं करते हैं? इसलिए आज से आपको विद्यालय में आकर के हल्ला नहीं करना है। देखने से लगे कि एक भी बच्चा इसमें नहीं है और क्लासरूम में जाए तो क्लास भरा हुआ हो और जब शांत होकर के आप पढ़ेंगे तभी आप याद कर सकते हैं और आप पर देश का भविष्य टिका हुआ है। आप देश के भविष्यकर्ता है, आप देश के कर्णधार है। आप जब तक अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे, आप चरित्रवान नहीं बनेंगे, तब तक हमारा देश चरित्रवान नहीं हो सकता है। 16 सेकंड का है।